देश के सबसे चर्चित नेताओं में से एक राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। उनका जन्म आज ही के दिन 1970 को हुआ था, यानी आज वो 53 साल के हो गए हैं। तो आज उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जो ज्यादा लोगों को नहीं पता। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। राहुल गांधी अपने गांधी परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई नई दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से की थी। उसके बाद 1981 में देहरादून उत्तराखंड के दून स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। 1989 में सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली में दाखिला लिया और वहां हिस्ट्री में बैचलर्स की डिग्री ली। साल 1995 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इंटरनेशनल रिलेशंस और डेवलपमेंट स्टडीज में डिग्री ली। कैम्ब्रिज और रोलिंस में राहुल गांधी ने सिक्योरिटी रीजन से असल नाम छिपाकर पढ़ाई की। कॉलेज रिकॉर्ड्स में राहुल गांधी का नाम राहुल विंसी लिखा गया था। उनके क्लासमेट्स और बैचमेट्स उन्हें इसी नाम से जानते थे। सिर्फ कॉलेज के अधिकारी और सिक्योरिटी अधिकारियों को ही राहुल गांधी की असली पहचान के बारे में पता था। कैम्ब्रिज और रोलिंस में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म मॉनिटर ग्रुप लंदन में 3 साल तक काम किया। भारत लौटने पर उन्होंने मुंबई में अपनी स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसी फर्म की शुरुआत की, जिसका नाम बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था। साल 2004 में अमेठी से चुनाव लड़ने के साथ सक्रिय राजनीति में उनका डेब्यू हुआ। पहले चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोटों से उनकी जीत हुई। साल 2007 में उनको कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। जनवरी 2013 में उनको कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। दिसंबर 2017 में वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। साल 2009 में राहुल गांधी का सबसे बढ़िया राजनीतिक प्रदर्शन रहा, जब राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 22 जीत ली। उसके बाद हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी कोई करिश्मा नहीं दिखा सके थे। साल 2014 के लोकसभा चुनावों को उनका लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस को एनडीए के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी को अपनी जिंदगी में अब तक 2 बड़ी ट्रेजेडीज का सामना करना पड़ा है। जब वो मात्र 14 साल के थे तो उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, और जब वो 21 साल के हुए तो 21 मई 1991 में उनके पिता की भी हत्या कर दी गई। इन दोनों घटनाओं ने राहुल गांधी को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन कहा जाता है कि राहुल गांधी पर माँ और बहन की देखरेख की जिम्मेदारी थी। इसी वजह से राहुल गांधी कुछ सालों बाद संभल भी गए थे। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या ने न सिर्फ राहुल गांधी को बल्कि पूरे देश की जनता को झकझोर कर रख दिया था। राहुल गांधी को पहली बार साल 2011 में गिरफ्तार किया गया था, जब वो किसानों से मिलने उत्तर प्रदेश के भट्टा परसौल गांव में जा रहे थे। दरअसल भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में बीएसपी की सरकार थी। मायावती के आदेश के बाद ही राहुल गांधी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। राहुल गांधी को घूमने फिरने और खेलकूद का बचपन से ही शौक रहा है। उन्होंने तैराकी, साइकिलिंग, स्कूबा डाइविंग और स्क्वाश खेला है। उन्होंने बॉक्सिंग और निशानेबाजी भी सीखी है। वो जापानी मार्शल आर्ट्स एकिडो में भी ब्लैक बेल्ट है। उनको आसमान में उड़ान भरने का भी शौक है और हवाई जहाज भी उड़ाना उन्होंने सीखा है। राहुल गांधी का ये शौक शायद उनको अपने पिता राजीव गांधी से मिला है। जतिन गांधी और वीनू संधू की किताब राहुल द फर्स्ट अथॉरिटेटिव बायोग्राफी में राहुल गांधी के जीवन पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें उनके व्यक्तित्व के अलावा उनकी उपलब्धियों और नाकामियों दोनों पर ही रोशनी डाली गई है। यही नहीं, एक और किताब डिकोडिंग राहुल गांधी में राहुल गांधी के व्यक्तित्व से पर्दा उठाया गया है। इस किताब में उनके राजनीतिक सफर और उनसे जुड़े कई लोगों के इंटरव्यूज पर बेस्ड कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जो काफी लोगों को नहीं पता। बहरहाल, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो इस देश में काफी चर्चित हैं। उनके बारे में लोग काफी जानना चाहते हैं और इसका एक प्रमाण हमें मिला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।